हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा अभी तबीयत ख़राब हो गया था, सर्दी जुकाम हो रखा है। तो अभी भी सर्दी जुकाम है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही है। तो सर्दी जुकाम हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, मैं सोची चाय बनाती हूँ। और श्रियांश के पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, तो मैं सोची पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब में या कुछ में भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई है नहीं जो बना देगा। तो अकेले यहाँ पे रहते हैं, तीन आदमी हैं, तो श्रियांश के पापा तो बना नहीं पाते हैं, तो फिर खुद ही बनाना पड़ता है। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर चाय बनाई थी और श्रियांश के पापा को चाय दे दी हूँ, और फिर मैं भी चाय पी ली थी। श्रियांश को चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऐसे भी चाय नहीं देना चाहिए। तो श्रियांश को मैं दूध देती हूँ, आप लोग तो देखते ही हैं ब्लॉग में कि उसको बॉर्नविटा देती हूँ, तो वही सुबह शाम वो पीता है, लेकिन चाय उसको कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि शुरू से ही आदत नहीं लगाएंगे तो बाद में जाके फिर चाय का आदत धर लेगा, पकड़ लेगा मतलब। तो फिर वही मैं उसको चाय नहीं देती हूँ, हम दो ही आदमी पीते हैं चाय। शाम में तो बहुत कम चाय बनाती हूँ, लेकिन मेरा सर्दी जुकाम हो रखा था तो चाय पीने का मन था, तो सोची चाय बना लेती हूँ, और चाय बन गया था। उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाने लगी थी, और तबीयत ख़राब है, दो चार दिन से मेरा सर्दी जुकाम हो रखा है, सर में दर्द है, तो इसके वजह से मैं बाज़ार भी नहीं जा पा रही हूँ, और बाहर बारिश वगैरह भी हो रहा था तो मैं बाज़ार नहीं जा पा रही थी। और फिर सब्ज़ी भी नहीं था घर में, तो प्याज वगैरह था, तो मैं सोची कि उसी का पकौड़ा बनाती हूँ प्याज का। तो प्याज को बारीकी से छोटा छोटा मतलब पतला पतला कट कर ली थी। उसके बाद फिर मैं इसमें बेसन डाली हूँ, आटा डाली हूँ, नमक, हल्दी और हरा मिर्च डाल के और पूरा मिक्स कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें नमक डाली हूँ, हल्दी जितना डलाता है तो उसी के हिसाब से इसमें हल्दी डाली थी, और उसके बाद फिर इसमें हरा मिर्च वगैरह डाल के और थोड़ा सा आटा और इसमें बेसन वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसको 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से इसमें सेट हो जाए, मतलब सही हो जाए। तो 10-15 मिनट अभी अगर पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो इसको 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दें, मतलब अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद अब 10-15 मिनट छोड़ दें। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दी थी, और चावल का भी अभी रबर ख़राब हो गया है, वो भी लाया हुआ मतलब हो ही नहीं रहा है। जब भी सोच रही हूँ कि लाने जाऊँगी, लेकिन ला ही नहीं पाती हूँ, उसका रबर पूरा लूज हो गया है। दूसरा उसमें बड़ा कुकर में रबर लगाना है तो नहीं लगा पा रही, जिसके वजह से देखिए पूरा चावल में से साइड साइड में से पूरा पानी फेंकने लगता है, और फिर से मुझे रबर निकाल के और उसको फिर से मुझे उसमें सही करना पड़ता है, उसके बाद ही सीटी लगता है। तो अभी फ़िलहाल चावल यहाँ पे बन चुका है और मैं गैस बंद कर दी थी, और यहाँ पे मैं साइड में दाल भी चढ़ा दी थी, जब तक 10-15 मिनट में वो जो मिक्स की हूँ प्याज पकौड़ा बनाने के लिए प्याज, तो उसको यहाँ पे रख दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ। दाल में देखे कि मसूर का दाल हम लोग खाते हैं, तो मसूर का ही यहाँ पे दाल बनाती हूँ, और अरहर वगैरह अच्छा नहीं लगता है तो नहीं बनाती हूँ, बहुत लोग वो दाल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मसूर का ही खाते हैं। और कभी कभी मन होता है तो मूंग और मसूर दोनों लाते हैं, नहीं तो फिर मसूर का ही लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10-15 मिनट हो चुका था, और मैं यहाँ पे पकौड़ा को फ्राई करूँगी, देखिए इस तरह छोटा छोटा करके, और फिर यहाँ पे फ्राई करूँगी। और श्रियांश देखिए मोबाइल दे रहा था मुझे गेम खेलने के लिए, मतलब गेम खेलता है, और उसके बाद फिर उसको गेम खेल के और मुझे डाउनलोड करने के लिए मोबाइल दे रहा था, तो मैं उसको डांट के हटा दी हूँ कि गेम अभी नहीं खेलना है, जाओ उधर हटाओ, तो वो भी गुस्सा से चला गया। तो ये ब्लॉग मैं कल ही शूट की थी, और फिर आज मैं इसमें वॉइस ओवर डाल रही हूँ, और अभी लेट भी हो गया है, अभी लगभग 6 बज रहा है, जबकि इस टाइम 6 बजे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और श्रियांश के पापा भी आज घर पे ही थे, उनको भी पेट वगैरह दर्द हो रहा था, थोड़ा बहुत पेट दर्द था, तो वो भी आज छुट्टी पे ही थे, घर पे ही बैठे हैं। और बारिश भी आज हो रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है, एक तो सर्दी जुकाम है, ऊपर से भीज भीज के काम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से भीजने लगेंगे और फिर सर्दी जुकाम अच्छे से पकड़ लेगा। तो कैसे तैसे आज काम की हूँ, काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सर्दी जुकाम होता है, सर में दर्द होता है, तो आप लोगों को पता है कैसे फील होता है, कैसे लगता है। तो काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था, फिर भी सुबह उठी हूँ, ज़बरदस्ती खाना पीना बनाई हूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाएंगे तो कौन बना देगा, ऊपर से छोटा सा बच्चा है, उसको खाना पीना मिलना चाहिए। तो ज़बरदस्ती सुबह मैं खाना पीना बनाई हूँ, उसके बाद फिर काम धाम फिर छोड़ दी थी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी खाना पीना बना के, उसके बाद सो गई थी, और फिर श्रियांश को स्कूल छोड़ के आ गई थी, मतलब मैं तैयार वगैरह कर दी हूँ, और श्रियांश के पापा ही स्कूल छोड़ने गए थे आज, और फिर
लाने भी आज वही गए हैं। तो श्रेयांश आया है तो श्रेयांश के पापा ही उसको खाना उना खिलाए हैं। और मैं सर में दर्द था और सर्दी जुकाम इतना हो रहा था कि उठने का मन नहीं कर रहा था सर में दर्द की वजह से। तो श्रेयांश के पापा उसको खाना पीना खिलाए थे। फिर मैं 2 बजे के आसपास उठी हूँ, फिर खाना वगैरह थोड़ा सा खाई थी और फिर काम धाम करने लगी। वैसे तो मेरा काम सुबह में ही हो जाता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं कि सुबह में खाना पीना बना के काम धाम करके और नहाना धोना सब काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं श्रेयांश को स्कूल से लाने जाती हूँ और लाने स्कूल से लाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको खाना पीना खिलाती हूँ। आप लोग ब्लॉग देखते होंगे, डेली ब्लॉग तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन आज काम हुआ नहीं है, 2 बज गया था, 2 बजे तक काम ही नहीं हुआ था। फिर उठ के और शाम तक काम की हूँ। उसके बाद सोची कि वीडियो डालना ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता चले कि मतलब कि क्या है, मतलब तबीयत ख़राब है या ऐसे ही। क्योंकि रेगुलर वीडियो नहीं आएगा तो आप लोग भी सोचेंगे, बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि ऐसे ही बहाना मारती है, कभी तबीयत ख़राब होता है, कभी कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है, जब मजबूरी रहता है, तबीयत ख़राब रहता है, तभी मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। कभी कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं और आप लोग जानते हैं कि एक ही रूम है और एक ही रूम में सब कुछ मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। और श्रेयांश पापा भी घर पे रहते हैं और टीवी वगैरह चलाते हैं, श्रेयांश भी रहता है, तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ। अभी देखिए इतना आंधी आ रहा है और फिर मैं यहाँ पे अभी शाम में 6 बज रहा है तो अभी मैं यहाँ पे बाहर वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, आप मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो अभी मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ उसमें आवाज़ आप लोगों को तो जा ही रहा होगा कैसे हवा का आवाज़ है और कितना आवाज़ गूंज रहा है। क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर जब भी करती हूँ, तो उसके बाद फिर एकांत जगह पर जाके श्रेयांश के सुला उला के उसके बाद फिर मैं जब शांत रहता है उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तेज़ यहाँ पे आंधी आया हुआ है, मतलब बारिश होने वाला है, बहुत ज़ोर से यहाँ पे आंधी आ रखा है और नीचे बच्चे सभी इतना हल्ला कर रहा है कि दिमाग ख़राब हो गया है। और श्रेयांश के पापा अंदर टीवी वगैरह देख रहे थे, श्रेयांश भी अपना मोबाइल देख रहा था, मतलब उसमें पढ़ाई का ही जो एक ऐप है तो उसी में पढ़ाई लिखाई वाला वो देखते रहता है, तो वही वो देख रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम है तो मैं वॉइस ओवर करके ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि तबीयत ख़राब है और कितना मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ को तबीयत ख़राब में भी घर को संभालना, घर को मैनेज करना, काम धाम करना, खाना पीना बनाना, बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, एक हाउस वाइफ ही जान सकती है। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं और आपको भी तबीयत वगैरह ख़राब हुआ होगा, उसी टाइम आपको तबीयत ख़राब में भी काम करना पड़ा होगा, तो आप लोग तो समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही होता है हाउसवाइफ का, मतलब तबीयत ख़राब भी रहे तो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको खुद ही टेंशन रहता है, कोई भी हाउसवाइफ हो उनको खुद टेंशन रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऊपर से बच्चों को स्कूल छोड़ना, खिलाना पिलाना, खाना पीना, घर का टेंशन, घर का काम नहीं हुआ रहेगा तो और भी टेंशन रहेगा कि काम हुआ नहीं है, और घर लगेगा कि भारी भारी जैसा घर लगेगा। जब तक घर का सफाई नहीं करिएगा, रूम का सफाई, तब तक आपको टेंशन में ही आप रहेंगे कि मेरा काम वगैरह हुआ नहीं है, और जब तक कर नहीं लेंगे तब तक मतलब कि चैन नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि घर का भी महीनों से सफाई नहीं हुआ है। तो ऐसे ही होता है, तबीयत खराब में काम धाम करना ही पड़ता है। और देखिए मेरा बात करते करते मेरा पकौड़ा भी यहाँ पर बन चुका है, तो इसी तरह मैं पकौड़ा बनाई थी और सुबह में आलू का सब्ज़ी बनाई थी तो उसको बना नहीं पाई थी, मतलब और थोड़ा सा रह गया था तो उसी को यहाँ पे गरम कर दी थी ताकि दाल चावल पकौड़ा और वही सब्जी चलेगा। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी ब्लॉग या वीडियो शेयर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।